6 दिसंबर को कई हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट गेट पर हिंदू मंच ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां हिंदू मंच ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अयोध्या में बता दिया है कि ये राम मंदिर ही है, और साथ ही पुरातत्व विभाग ने भी यही माना कि यहां राम राज्य के अवशेष हैं। हिंदू मंच ने विरोध जताया कि कुछ लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। हिंदू मंच ने कहा 27 मार्च 2019 को राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव भी 2019 में ही होंगे। शौर्य दिवस पर प्रदर्शन करते हुए हिंदू मंच ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। आज किस चीज का आपका विरोध है? हमारा विरोध ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने, लखनऊ बेंच ने निर्णय दे दिया है कि जहाँ भगवान श्री राम आज विराजमान है वही स्थान भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। जब वही स्थान रामलला का स्थान है तो पुरातत्व विभाग के उस समय भी ये बताया गया है पुरातत्व की ये सारे अवशेष जो मिले हैं ये मंदिर के मिले हैं। इसके बाद इन तीनों न्यायाधीश ने भी ये माना है और एक बात है तीनों न्यायाधीश कि यही स्थान रामलला का स्थान है। रामलला जो स्थान होता है उसके ऊपर कोई भी अदालत फैसला नहीं कर सकती क्योंकि ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। जो टुकड़ा होता तो हम वापस दे देते इन्हें। ये भगवान राम का जन्म स्थान है जिसमें 85 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, इसलिए हम बता रहे हैं ये भगवान राम जहाँ विराजमान है यहीं पर 27 मार्च 2019 से हर कीमत पर मंदिर बनेगा, क्योंकि मंदिर का मुद्दा भी उठाने वाला मैं स्वयं हूँ। ये मैंने विश्व हिंदू परिषद के हाथ में दिया है इस मुद्दे को। मैं बता देना चाहता हूँ इसी 27 मार्च 2019 को हर कीमत पर मंदिर का निर्माण होगा। रही बात 30,000 मस्जिदों की, हमने प्रस्ताव रखा था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के समक्ष कि 3,003 हमारे मंदिर अयोध्या मथुरा काशी हमें दे दो तो हम 30,000 मस्जिदों के लिए आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। चाहते हैं जो 30,000 मंदिर हमारे इन्होंने तोड़े हैं उसमें एक मंदिर मुरादाबाद का भी है, विष्णु मंदिर जो 1639 में तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाई है, जामा मस्जिद है। अब हम जो हर 30,000 मस्जिदों का हर कीमत पर तोड़ेंगे। जय श्री राम।